मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब मौसम बिगड़ने वाला है। तो आज की कहानी शुरू होती है कुटनी आइलैंड रिजॉर्ट खजुराहो मध्य प्रदेश की। तो चलिए शुरू करते हैं। अंदर आने पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बच्चे को तकलीफ में देखें तो यहाँ पे जो मुफ्त नंबर है 1098 उस पर आप डायल कर सकते हैं। प्रताड़ित, भागे हुए, मेडिकल, निराश्रित, खोए हुए या लावारिस, ये उसके लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। नीचे कुछ और चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन, लाइक रेस्टोरेंट विल रिमेन क्लोज फॉर डिनर प्रिपरेशन फॉर 3:30 PM to 7:30 PM, उसका ध्यान रखें, इस टाइमिंग के बीच में रेस्टोरेंट क्लोज रहेगा। तो गाइस, मैं अभी कुटनी आइलैंड के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, सॉरी ज़्यादा सुदिंदी हो गई, एंटर कर रहा हूँ। तो गाइस, ये है कुटनी आइलैंड और ये है यहाँ का रिजॉर्ट, आपको दिख रहा होगा, पास चल के दिखाता हूँ कैसा लगता है। और चारों तरफ पानी है और बीच में एक रिजॉर्ट बना है, बहुत ही गजब का व्यू आ रहा है। तो चलिए अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं क्या बेहतरीन चीज़ है अंदर। तो अंदर एंटर करने के बाद एक और एंट्री गेट है, तो यहाँ पे एक साइन बोर्ड आपको मिल जाएगा, इस पे लिखा हुआ है कुटनी आइलैंड रिजॉर्ट डेवलपमेंट बाय एमपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे बोर्ड पे, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सीधे यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, गजब का व्यू होगा। हर जगह आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि कुछ भी आप अनफेयर एक्टिविटीज़ में ना पकड़े जाएं। एंड लुक एट द व्यू गाइस, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। और ये जो मैं चल रहा हूँ ना, आप मेरे लेग्स देख रहे हैं, ये पूरा लोहे का ब्रिज है और इस पे चलने पे आवाज़ आ रही है, लाइक नाउ यू कैन हियर। एक नोटिफिकेशन आप और हम सभी के लिए, ये कचरा पानी में ना फेंकें, ऑब्वियसली नहीं फेंकना है आपको। तो यहाँ पर अंदर आने पे दो रास्ते हैं, एक अपसाइड जाता है, एक रिजॉर्ट के अंदर जाता है, और एक रिसेप्शन बोट क्लब है, यानी ये बोटिंग के लिए, अगर आप बोटिंग एंजॉय करना चाहते हैं तो इस रास्ते पे जा सकते हैं। तो आई थिंक मैं बोटिंग एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही गजब का व्यू है गाइस, और इसको मैं मिस नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि अगर आप आएँ प्लीज़ इसको मिस नहीं करें। और वहाँ पे आई थिंक बोटिंग सेक्शन है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आप वहाँ से बोटिंग कर सकते हैं, टिकट्स वगैरह आई थिंक नीचे आपको मिलेंगे, और वहाँ पे जाके आप प्रॉपर बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं गाइस। कैसा फील आ रहा है आपको भैया? बढ़िया बढ़िया जी, इसीलिए बनाया गया सब, मुझे खुद नहीं पता है क्या हो रहा है। ये कुछ स्पेयर पैडल बोर्ड्स यहाँ पे पड़ी हुई है, और गाइस ये समुंदर से कम नहीं है, बाकी अंदर जाने की बात ही बताएंगे कैसा फील आ रहा है। गाइस, बोटिंग का जो टाइम है सुबह 9:30 से 5:30 बजे शाम तक का है, और प्लीज़ गुटखा वगैरह मत खा के थूकिएगा, 250 रुपये का फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगाई जाएगी इसमें, ठीक है। और जो बोटिंग के रूल्स हैं प्लस चार्जेस हैं वो आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो स्पीड बोट का जो मिनिमम चार्जेस है वो 3% का लगेगा, 175 रुपीज़ पर पर्सन, चाहे एक बंदा बैठे चाहे यहाँ तीन बैठे, आपको 175 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से देना पड़ेगा। इसमें एक राउंड है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। पैडल बोट का 200 रुपये प्रति बोट का है, जिसमें मैक्सिमम 4% बैठ सकते हैं। समय जो दिया जाएगा 25 मिनट्स का दिया जाएगा। शिकारा बोट भी आप यूज़ कर सकते हैं, 600 रुपीज़ एक राउंड का है, 4% टाइम रहेगा 10 मिनट्स का। 3 वर्ष से बड़े बच्चों का टिकट पूरा लगेगा, और कटी हुई टिकट वापस नहीं ली जाएगी, ठीक है। चलिए, तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मोटर बोट इन्जॉय करने, जिसका 175 रुपीज़ पर पर्सन का चार्जेस है। तो क्योंकि मैं सिंगल था और मेरे साथ दो भाई लोग मिल गए, तो उनके कंट्रीब्यूशन से ये मोटर बोट पॉसिबल हो पा रही है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, आपको बताते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो सबसे पहले हमें लाइफ जैकेट्स पहनने हैं, उसके बाद ही बोट के अंदर एंटर करना है। इस बात का आप भी यहाँ पर आए तो खास ख्याल रखिएगा, प्लीज़ इसके बिना मत चढ़िएगा वरना बीच ही में रह जाएंगे।
मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो गाइस ऐसी ही कोशिश मैं कर रहा हूँ इन ब्लॉग्स के जरिए आपका दिल जीतने की। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड योर ओन चैनल ट्रैवल बंदी। तो ऊपर इस रिजॉर्ट में रेस्टोरेंट भी है, ये आप देख सकते हैं। चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या है। पूरे आइलैंड रिजॉर्ट को मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म मैनेज करता है। तो अब जो आप देखने वाले हैं वो नज़ारा आपको दुबई का फील देने वाला है। चारों तरफ समंदर जैसा नजारा और बीच में ये आइलैंड जहां पर ये रिजॉर्ट मौजूद है। नीचे दिख रहे कॉटेजेस को आप मध्य प्रदेश टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रेंट पर भी बुक कर सकते हैं। और हाँ, इन कॉटेजेस के रेट्स भी सीजन्स के बेसिस पर बदलते रहते हैं। तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रखा है जहाँ पर आप जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस I love this island resort. This is quite fabulous. And यहाँ का हर एक व्यू जन्नत से कम नहीं है। So I hope guys आपको यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जो island resort है ये बहुत ही गजब का है। तो इसको अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड जो वेबसाइट है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दिया है, तो प्लीज़ जाके चेक करिए। और आपका अगर कभी खुजराओ आने का मन करे तो प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा, बहुत ही गजब की प्लेस है। ये मेरा कहते ना कि एडिटर्स चॉइस फुली रिकमेंडेड कंटेंट या प्लेस है फ्रॉम ट्रैवल पंथी।